नमस्कार, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको दो तीन न्यूज़ के बारे में बताऊंगा, तो चलिए शुरू करते हैं। जो पहली न्यूज़ है वो है म्यूचुअल फ़ंड इंडस्ट्री से रिलेटेड। जो म्यूचुअल फ़ंड इंडस्ट्री ने फरवरी के मंथ में जो है 3 लाख न्यू कस्टमर्स के अकाउंट ओपन हुए हैं म्यूचुअल फ़ंड्स इंडस्ट्री में, जो कि अकॉर्डिंग टू SSMP के डाटा जो आए हैं उसके मुकाबले पिछले 2 महीनों से नंबर्स कम आए हैं। जनवरी मंथ में 14 लाख लोगों के नए अकाउंट ओपन हुए थे और दिसंबर के महीने में इनकी संख्या थी जो 6 लाख कस्टमर्स के न्यू अकाउंट ओपन हुए थे। तो फरवरी के महीने में जो है गिरावट आई है अकाउंट ओपन करने में, जो इन्वेस्टर्स के न्यू अकाउंट ओपन हुए हैं। तो इससे हमें देखने को मिल रहा है कि इंडिया में काफ़ी जागरूकता हो रही है जो इन्वेस्टमेंट के प्रति, तो सरकार भी काफ़ी प्रकार के कदम उठा रही है इनके प्रति, इन्वेस्टमेंट करने के प्रति, लोगों को जागरूक करने के प्रति। तो हमारी नेक्स्ट जो अपडेट है वो है कि गवर्नमेंट ने आज एक न्यू चैटबोट जो है लॉन्च किया है व्हाट्सएप पे, जो कि कोरोना वायरस के बारे में जो लोग गलत अफवाहें फैला रहे थे तो उसको कंट्रोल करने के लिए और जो एडवाइजरी दी जाएगी आपको, ऑफिशियल एडवाइजरी गवर्नमेंट की तरफ से, अगर आप 9013151515 पर मैसेज करते हैं तो आप माई गवर्नमेंट कोरोना हेल्प डेस्क से ऑफिशियल एडवाइजरी प्राप्त कर सकते हैं। तो जो ये चैटबॉट है मेनली आपको एडवाइजरी देने के लिए, और जो है गलत अफवाहें हैं जो व्हाट्सएप पर पता लगती रहती हैं, कभी वीडियो जाती है, कभी कुछ हो जाता है, तो उसके लिए जो मेनली चैटबॉट बनाया गया है। तो अब तक जो हमारे इंडिया में टोटल 283 केसेस हैं जो कोरोना वायरस के दर्ज किए गए हैं, और जैसा कि हम सबको पता है कि कल PM जी ने, जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आदेश दिया है कि कल जनता की तरफ से कर्फ्यू है, जनता कर्फ्यू है, तो आप सभी उनका प्लीज़ पालन कीजिए। तो हमें भी थोड़ा सा मोदी जी के साथ देना पड़ेगा, तो तभी हम स्वस्थ रह पाएंगे, तभी ठीक रह पाएंगे, क्योंकि हमें इकट्ठे मिलकर ही कुछ करना होगा। और कल मेडिकल स्टोर और ग्रोसरी की दुकान के अलावा सभी कुछ बंद रहेगा, तो आप प्लीज़ अपना ख्याल रखिए और कल जनता कर्फ्यू में भाग लीजिए और प्रधानमंत्री जी के साथ साथ चलें।